साथियों, हम लोग आज सरगुजा जिले में कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हैं, जहां पे परसा ईस्ट केते वासन और प्रस्तावित परसा कोयला खदान के प्रभावित गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। सरगुजा के अंदर मुझे लग रहा है कि सबसे पहले सवाल से शुरुआत की जानी चाहिए कि सरगुजा में रमन सरकार चल रही कि अडानी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ा के लोगों के जीने के संसाधनों को छीना जा रहा है, उन संसाधनों की लूट के विरोध करने वाले गांव के लोगों के ऊपर जिस तरीके से फर्जी केस लगाए जा रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई यहां पे की जा रही, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि सरगुजा के अंदर अडानी राज चलने लगा है। साथियों, दो तीन उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। सरगुजा पांचवी अनुसूचित इलाका है और पांचवी अनुसूचित इलाके में बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। परसा कोयला खदान के लिए जिसमें 3 गांव विस्थापित होने हैं, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चलवाई जा रही है बिना ग्राम सभा की सहमति के। लगातार गांव के विरोध के बावजूद भी ये सुनिश्चित नहीं किया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कि पहले ग्राम सभाएं करवाएं। परसा ईस्ट केते वासन जिसमें खनन हो रहा है, अडानी कंपनी के द्वारा खनन किया जा रहा है, स्वयं इस खदान की वन अनुमति को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा खारिज किया है और यह खदान वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर पे चल रही है। आप विश्वास करेंगे कि इस खदान को बचाने के लिए वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत ग्राम घाटवरला को दिए गए सामुदायिक वन अधिकार के पट्टक को निरस्त किया गया। वन अधिकार मान्यता कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां पे वन अधिकार देने के बाद आप निरस्त किए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अडानी माइनिंग को बचाने के लिए वन अधिकार के उस पट्टक को निरस्त किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी खदान के लिए जो प्रस्तावित परसा कोल ब्लॉक की वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया चल रही, वन अधिकार कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि जल जंगल जमीन पारंपरिक सीमा के अंदर उपस्थित वन संसाधनों की रक्षा, उनका प्रबंधन और पुनरुत्पादन करना ग्राम सभा का दायित्व है। इस खदान के लिए जो जंगल खदान के लिए दिया जाना है, इसके डायवर्जन की प्रक्रिया चलवाई जा रही है। कानून ये भी कहता है कि जब तक वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, वन भूमि का डायवर्जन नहीं हो सकता। सारी की हरिहरपुर की सारी ग्राम सभा ने 3 से 4 बार ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किया कि हम वन भूमि का डायवर्जन नहीं होने देंगे, क्योंकि इस वन पर हमारी पीढ़ियों से आजीविका निर्भर है और अभी तक हमारे वन अधिकारों की मान्यता पूरी नहीं हुई है। इसके बावजूद भी वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया सतत जारी है और ग्राम सभाओं से प्रस्ताव लेने के लिए उदयपुर के रेस्ट हाउस में गांव के लोगों को प्रशासन के द्वारा बुलवाया जाता है और वहां कहा जाता है कि आप प्रस्ताव को पारित करके दीजिए। सवाल ये कि प्रशासन की यहाँ निष्पक्ष भूमिका होगी कि नहीं, प्रशासन किस आधार पर यह कह सकता है कि आप प्रस्ताव पारित करें, जबकि प्रशासन का यह दायित्व था कि आप जो है गांव के जो प्रस्ताव है उनको लेके और सीधा जो है ऊपर भेज दीजिए। लेकिन अडानी के पक्ष में दबाव पूर्वक ग्राम सभा करवा के प्रस्ताव मांगना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरगुजा का जिला प्रशासन अडानी कंपनी के दबाव में काम कर रहा है। इतना ही नहीं, बालसाय कोलाम की गिरफ्तारी हुई, आरोप ये लगाए कि वन अधिकार का पट्टा जो है गलत तरीके से बना के मुआवजा लिया। वन अधिकार मान्यता कानून में एक विधि है जिस विधि का पालन करना जो है सरकार और जिला प्रशासन और शासन प्रशासन का दायित्व है। एक दावेदार जब दावा करता है उसके दावे की जांच वन अधिकार समिति करती है, जिसमें सत्यापन के लिए राजस्व और वन विभाग होते हैं और उसके बाद ग्राम सभा में दावा पारित होता है। उसके बाद उपखंड स्तरीय समिति पुनः उसका अनुमोदन करती और फिर जिला स्तरीय समिति, और तब जाके वन अधिकार मिलता है। यदि कोई दावेदार ही दावा को गलत बनाने लगे और यदि उनके पास इतना अधिकार आ जाए तो छत्तीसगढ़ में 60% व्यक्तिगत दावे निरस्त नहीं होते। 8 लाख दावों में 5 लाख दावे निरस्त किए जा चुके हैं। सवाल ये है कि यदि गलत तरीके से दावा बना है और मुआवजा लिया है तो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि कौन कौन अधिकारी इस मामले में शामिल है, और यदि ऐसा नहीं है तो बालसाय की गिरफ्तारी क्यों की गई। बालसाय की गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि परसा कोयला खदान की जब लोक सुनवाई हो रही थी उस समय बालसाय के द्वारा मुखर विरोध किया गया और इस भूमि अधिग्रहण की जो अधिसूचना है इसके खिलाफ भी एक व्यापक विरोध बालसाय के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे जो गैर कानूनी कार्य को अंजाम दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उनका विरोध ना कर सके इसीलिए ग्रामीणों के ऊपर फर्जी केस दर्ज करके उनको दबाने की, उनको धमकाने की कोशिश है और लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से सरगुजा के अंदर हो रही है, ताकि अडानी कंपनी के लिए जो जल जंगल जमीन की लूट है उसको सुगम किया जा सके।